आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज इम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हिंदी में हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। तो चलिए हम बात करते हैं इम्पीरिकल फार्मूला की। सबसे पहले इम्पीरिकल फार्मूला होता क्या है, तो याद रहे किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स के बीच सिंपलेस्ट रेशियो शो करने वाला फार्मूला कंपाउंड का इम्पीरिकल फार्मूला कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। कैसे डिफाइन करेंगे? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। इम्पीरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या बताया गया आपको? किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के मध्य सरलतम अनुपात प्रदर्शित करने वाला सूत्र यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी इम्पीरिकल फार्मूला कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, फार्मूला क्या है? C6H12O6। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने आइटम्स हैं? तो 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, हाइड्रोजन आइटम्स एंड ऑक्सीजन आइटम्स का रेशियो क्या मिला? दैट इज 6:12:6। सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिलेगा? 1:2:1। तो इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला यानी इंपीरिकल फार्मूला क्या मिलेगा? C1H2O1, दैट इज CH2O। दिस इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या कहलाएगा? यह ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला कहलाएगा। देखिए क्या है यहां पर स्लाइड में क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए क्या है फार्मूला ग्लूकोज का, C6H12O6। इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 6:12:6। क्या है? 6:12:6, दैट इज 1:2:1। याद रहे सिंपलेस्ट रेशियो है। हेंस द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी C1H2O1, दैट इज CH2O। तो ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला हमको क्या मिला? CH2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो याद रहे इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के डेफिनेशन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, एक सिंगल वर्ड का डिफरेंस है सिर्फ। इंपीरिकल फार्मूला के डेफिनेशन में जहां हम सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के डेफिनेशन में हम वहां पर एक्चुअल रेशियो की बात करेंगे। देखिए क्या है डेफिनेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला का। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल रेशियो, याद रहे ये सिंगल वर्ड डिफर कर रहा है। इंपीरिकल फार्मूला के डेफिनेशन में हम यहां पर सिंपलेस्ट वर्ड यूज करते थे, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला के डेफिनेशन में हम यहां क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एक्चुअल। द फार्मूला which represents the actual ratio of the number of atoms of different elements in a compound is called molecular formula of the compound. For example, in glucose molecule, the actual ratio of carbon, hydrogen and oxygen atoms is 6:12:6, already dekh chuke hain hum. Hence, its molecular formula will be C6H12O6. तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आइटम्स का एक्चुअल रेशियो 6:12:6 है, तो नेचुरली इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला में आपस का रिलेशन क्या है। ये देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज रिलेटेड विथ इट्स इंपीरिकल फार्मूला
एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन. क्या इक्वेशन है भाई? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है इंपीरिकल फार्मूला इनटू एन. क्या है फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू इंपीरिकल फार्मूला इनटू एन, वेयर एन इज, यहां एन क्या है देखिए, एन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास. Always remember this molecular mass is numerically equals to 2 into vapor density. So naturally n किसके equal हो जाएगा? 2 into vapor density upon empirical formula mass. इससे हम n का value count करेंगे और अगर इसको हम put कर दें, empirical formula को multiply कर दें हम n से, तो हमको compound का क्या मिल जाएगा? Molecular formula मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे. याद रहे इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से यूजुअली एकेडमिक एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक दो न्यूमेरिकल दे देता है यहाँ से. तो देखते हैं न्यूमेरिकल किस टाइप के यहाँ से पूछे जाते हैं और सॉल्व कैसे होते हैं. चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं हम. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 61% कार्बन, 11.88% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन. इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 59, फाइंड इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. ध्यान दीजिए यहां पर कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है. आपको बताया गया है कि कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है. और आपसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंड का इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा. देखिए कैसे सॉल्व होगा. सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट, सबसे पहले हमको क्या दिया गया है हमने उसको लिखा है यहां पर, परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज 61%. कितना दिया हुआ है? 61%. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है? 11.88%. एंड रेस्ट ऑक्सीजन बोल रहा है, तो रेस्ट ऑक्सीजन का मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को आप ऐड कर दीजिए और उसको 100 से माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा. तो क्या मिला? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 61 प्लस 11.88. ये देखिए That's equals to कितना आ जाएगा? 27.12%. तो आपने देखा कि कंपाउंड में हमको पता लग गया कि कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है. अब हम सबसे पहले इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे. याद रहे कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला पूरी तरह एक टेबल पर बेस्ड होगा. बड़ा ही इजी है इसको कैलकुलेट करना है, एक सिस्टम हमें फॉलो करना है, अपने आप हमको इंपीरिकल फार्मूला मिल जाएगा. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम ले जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला. देखिए कैसे कैलकुलेट होगा. यहां पर एक टेबल हमने बनाया है जिसका पहला कॉलम में हमने एलिमेंट शो किया है. याद रहे इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. दूसरे कॉलम में डिफरेंट एलिमेंट्स का परसेंटेज शो किया गया है. कार्बन का परसेंटेज 61%, हाइड्रोजन का 11.88% एंड ऑक्सीजन का 27.12%. तो सबसे पहले कॉलम में हमने एलिमेंट शो किया, सेकेंड कॉलम में उनका परसेंटेज शो किया. याद रहे अभी तक हमने अपने से कुछ भी नहीं किया है, सब के सब गिवन है, दिए गए हैं. थर्ड कॉलम में हम एटॉमिक मास शो करेंगे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक मास. आपको मालूम है कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16. तो हमने 3 कॉलम यहां बना लिए. पहला एलिमेंट का, 3 एलिमेंट थे इस कंपाउंड में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. दूसरा कॉलम परसेंटेज का, कार्बन का रेस्पेक्टिव परसेंट कंपाउंड में कितना था? 61%, हाइड्रोजन का 11.88% एंड ऑक्सीजन का 27.12%. थर्ड कॉलम में हमने क्या किया? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखे. तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16. ध्यान दीजिए थर्ड कॉलम में हम क्या करने जा रहे हैं, थर्ड कॉलम में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे हम किससे? उसके रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास से. ध्यान दीजिए थर्ड कॉलम है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, दैट इज दिस अपॉन दिस. 61 अपॉन 12 कितना आ गया? 5.01. आप डिवाइड करके देख सकते हैं.
11.88 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 11.88। और थर्ड कॉलम आपने क्या देखा, 27.12 डिवाइडेड बाय 16, 27.12 डिवाइडेड बाय 16, दिस अपॉन दिस क्या मिल जाएगा अपने को, 1.695। तो इस तरीके से आपने नेक्स्ट कॉलम में क्या किया, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को डिवाइड कर दिया, उनके सॉरी डिफरेंट एलिमेंट्स के परसेंटेज को डिवाइड कर दिया उनके एटॉमिक मासेस से। अब आगे देखिए, आपको यहां पर तीन डिजिट मिल गए, 5.01, 11.88, 1.695, तीन डिजिट मिल गए। अब आपको यह देखना है कि इन तीनों डिजिट में सबसे छोटा कौन है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा एक दिया है 5.01, दूसरा है 11.88, थर्ड है 1.695। तो सबसे छोटा कौन है इन तीनों में, 1.695। जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देना है, यानी इसको, इसको और इसको, तीनों को सबसे छोटे वाले से, जो भी रहेगा सबसे छोटे वाला उससे डिवाइड कर देंगे और अपने को मिल जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। क्या मिलेगा अपने को, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। तो यहां पर 5.01 को डिवाइड करेंगे 1.695 से, अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा वैल्यू, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 3। 11.88 को डिवाइड करेंगे 1.695 से, ये अप्रॉक्सीमेटली 7 आएगा। और 1.695 को डिवाइड करेंगे 1.695 से, कितना आ जाएगा 1। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का यानी कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ आइटम्स का रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो कंपाउंड में क्या मिला, 3:7:1। तो नेचुरली कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला क्या मिलेगा अपने को, C3H7O1। क्लियर, क्या मिला, दस इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू C3, कैसे मिला, C3H7O1। This is empirical formula of compound C3H7O। तो आपने कैसे इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया, तो याद रहे इसे हम कॉलम सिस्टम से सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम में हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लिख लिए, सेकेंड कॉलम में उनके रेस्पेक्टिव परसेंटेज लिख लिए, थर्ड कॉलम में एटॉमिक मास लिख लिए डिफरेंट एलिमेंट्स के, फोर्थ कॉलम में परसेंटेज को रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास से हमने डिवाइड कर दिया, तीन डिजिट मिल गए। देन हमने देखा कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, उस डिजिट से इन तीनों को डिवाइड किया अगले कॉलम में, तो हमको क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। और देन सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स मिल गया तो हमको क्या मिल जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला। अब हम बात करेंगे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम लेने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या रिलेशन है एम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। देखिए ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पीरिकल फार्मूला इनटू एन, फेयर एन इज 2 इनटू वेपर डेंसिटी। यू नो यहां पर हमको वेपर डेंसिटी गिवन है तो उस फार्मूले को यूज करेंगे, एन इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पीरिकल फार्मूला मास, दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू 59। 59 इज गिवन, क्वेश्चन में दिया गया है कंपाउंड का वेपर डेंसिटी कितना है 59, तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इंटू 59 अपॉन 59, दैट्स इक्वल्स टू 2, कितना मिल जाएगा अपने को n का वैल्यू, 2 मिल जाएगा। तो इंपीरिकल फार्मूला को, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू इंपीरिकल फार्मूला, दैट इज C3H7O मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया 2, तो क्या मिल जाएगा C6H7O2, 1 into 2, that is 2। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिल गया, C6H14O2। तो इस तरीके से हम कंपाउंड का इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 60
Then calculate the empirical and molecular formula of the compound. Same pattern हम follow करेंगे. Same pattern पिछले जैसा है. सिर्फ digit बदले हैं. देखिए कैसे solve होगा. Given that percentage of carbon 40%, it is given. Percentage of hydrogen 6.66%, also given. Percentage of oxygen कैसे निकालेंगे? 100 minus 40 plus 6.66 कितना आ जाएगा? 53.34%. तो तीनों element के percentage हमको मिल गए. अब हम सबसे पहले empirical formula calculate करेंगे. देखिए कैसे calculation of empirical formula, same pattern, same step, element, carbon, hydrogen, oxygen. Percentage carbon का कितना? 40%, hydrogen का 6.66%, oxygen का 53.34%. Atomic mass carbon का 12, hydrogen का 1, oxygen का 16. Now, percentage upon atomic mass. क्या मिलेगा? 40 upon 12, that is 3.33. 6.66 upon 1, that is 6.66. 53.34 अपॉन 16 क्या मिलेगा अपने को? 3.33. अब इनमें सबसे छोटा कौन है? 3.33. उससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो अपने को सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स मिलेगा इन द कंपाउंड. क्या मिला अपने को? 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, दैट इज 1. यहां क्या मिला? 6.66 डिवाइडेड बाय 3.33 इक्वल्स टू 2. और देन तीसरे कॉलम में 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, दैट्स इक्वल्स टू 1. तो डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो इन द फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या मिला? 1:2:1. तो नेचुरली कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? C1H2O1, दैट इज CH2O. This is empirical formula of the compound. ये देखिए, thus empirical formula of compound is equals to CH2O. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हम calculate करेंगे molecular formula. याद रहे same pattern, सब कुछ same. पिछले बार हमको vapor density दिया गया था, इस बार हमको molecular mass दिया गया है. तो molecular mass से related हम formula use करेंगे in order to find n, n का value find करने के लिए. देखिए कैसे solve होगा आगे. कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन. फिर एन इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, दैट्स इक्वल्स टू 60/30. प्रश्न खड़ा हुआ 30 कहां से आया, या पिछले में एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे आया था? शायद मैंने नहीं बताया था, अभी बता देते हैं. CH2 इसका हम empirical formula mass find करेंगे, क्योंकि empirical formula mass क्या मिला है? CH2. CH2O में carbon का एक atom है, atomic mass 12. Hydrogen के दो atoms हैं, atomic mass 1 होता है hydrogen का. And oxygen के भी एक atom है, atomic mass 16. तो empirical formula mass कितना मिला अपने को? That is 12 plus 2 into 1, that is 12 plus 2 plus 16. कितना हुआ? 12 plus 2, 16. सॉरी 12 प्लस 2 14 प्लस 16, दैट इज 30. तो एम्पिरिकल फार्मूला मास अपने को क्या मिल गया यहां पर? 30 मिल गया. तो 60/30 वैल्यू क्या आ गया? 2. देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिलेगा? CH2O into 2, n की जगह हमने 2 रख दिया. क्या मिल जाएगा अपने को? C2H4O2. C2H4O2 कैसे आया? 2 1 2, C2, 2 2 4, H4, 2 1 2, O2. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिला कंपाउंड का? C2H4O2. इस तरीके से हम अदर एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं. कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है? जो हमको सिंपलेस्ट रेशियो मिलता है कई बार वो फ्रैक्शनल होता है, तो उसको हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन अपने को एम्पिरिकल फार्मूला मिलता है. देखिए एक एग्जांपल देखते हैं. कई बार इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन. कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 6.66% एंड ऑक्सीजन 38.6%. इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 83, फाइंड द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड.
याद रहे इस बार तीनों एलिमेंट का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन सीधा सीधा आपको दे दिया गया है. गिवन दैट परसेंटेज ऑफ कार्बन 57.8%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 3.6%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 3.6%, एक्चुअल में यहां पर 6.66% है, दैट इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 38.6%. दीज आर गिवन. चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इसको. कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला, याद रहे आगे क्या कैलकुलेशन, हाइड्रोजन का परसेंटेज 3.66% लेकर के किया गया है, तो नेचुरली यहां पर 3.6% होना चाहिए. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा. तो आपने क्या देखा, परसेंटेज ऑफ कार्बन 57.8%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 3.6%, हियर शुड बी 3.6, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 38.6%. ये गिवन है. आगे हम इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे. देखिए कैसे कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला, सेम पैटर्न, एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, परसेंटेज 57.8, 3.6, 38.6, ये परसेंटेज गिवन है. एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16. याद रहे यहां एलिमेंट बदल भी सकते हैं, जो भी एलिमेंट रहेगा उसका हमें एटॉमिक मास लेना पड़ेगा. क्लियर है. नाउ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, याद रहे कंपाउंड में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इसी को हम परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास ले रहे थे. परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास की जगह कई बार आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लिख सकते हैं कॉलम में. तो क्या मिलेगा यहां पर, 57.8 अपॉन 12, 4.82 आ गया. नेक्स्ट 3.6 अपॉन 1, दैट इज 3.6. 38.6 अपॉन 16, दैट इज 2.41. ये तीन वैल्यूज मिल गए. इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो आप देख सकते हैं तीनों में सबसे छोटा है 2.41, उससे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे. तो 4.82 अपॉन 2.41 कितना मिला, 2. 3.6 डिवाइडेड बाय 2.41 यहां पर लेंगे, 2.41 से डिवाइड करेंगे, ये अप्रॉक्स 1.5 आएगा. कितना आएगा, अप्रॉक्स 1.5, याद रहे डिवाइड 2.41 से करेंगे, एंड 2.41 डिवाइडेड बाय 2.41 करेंगे, कितना आ गया 1. ध्यान दीजिए यहां पर हुआ क्या है, यहां पर जो रेशियो मिला है वह फ्रैक्शन में मिल गया, 2:1.5:1. इसे हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी एक सूटेबल नंबर से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि तीनों होल नंबर में हो सके. तो आप देखेंगे अगर 1.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है 3. तीनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 1.5 × 2 यानी 3 हो जाएगा, ये 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा. ये जो फ्रैक्शनल सिंपलेस्ट रेशियो मिला था अब वो कन्वर्ट हो गया होल नंबर रेशियो में. तो कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, दस इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी C4H3O2. क्या मिला आपने को फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड C4H3O2, ये मिल गया इंपीरिकल फार्मूला. सेम ऐसे ही हम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पैटर्न, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू इंपीरिकल फार्मूला इनटू एन, वेयर एन इज इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास, दैट्स इक्वल्स टू 2 इनटू 83. 83 इज गिवन, एंड इंपीरिकल फार्मूला मास, ये 83 कहां से आया देखिए, तो इंपीरिकल जो फार्मूला था उसके एटॉमिक मासेस को हम सम अप करेंगे. इंपीरिकल फार्मूला क्या मिला था, C4H3O2, C4 यानी 4 × 12 प्लस H3 3 × 1 प्लस O2 16 × 2. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16. तो ये टोटल को जब सम अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा. तो यहां पर N का वैल्यू होगा 2 × 83 / 83, दैट इज 2. Therefore, molecular formula क्या मिलेगा, C4H3O2, that is empirical formula into 2. क्या मिल जाएगा, C8 4 × 2 C8 H6 3 × 2 H6 and O 2 × 2 O 4. क्या मिला अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला, C8 H6
O4. तो इस तरीके से हम कंपाउंड का इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रहे ये जो टॉपिक था आज का, यह एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली 11th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से दिए जाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल आपसे दिया जाता है, इन जनरल एक दिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी रेयरली यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।